सो हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम है जियाओ, जो अपनी कंपनी के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ अचानक से कुछ चमकता है और कुछ होता है, और अचानक से गेट खुलते ही एक लड़की उसके ऊपर आकर गिर जाती है। इस लड़की का नाम है लिन और ये हमारी मूवी की फीमेल लीड है। ये समय के किसी टाइम ग्लिच की वजह से एक वार्म होल के जरिए 2020 से 2010 में आ गई थी। पहले तो इसे खुद भी कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए जियाओ की मीटिंग खराब करने के लिए पहुंच जाती है, और इसी दौरान गलती से वो जियाओ की गर्दन पर किस भी कर लेती है, साथ ही उसकी शर्ट के बटन्स भी तोड़ देती है। जियाओ कपड़े चेंज करके वहां आता है और मीडिया वाले उसकी गर्दन पर किस का निशान देख लेते हैं और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जियाओ कैसे तो वहां से निकलता है। हम लिन को देखते हैं जो किसी को देखने एक जगह पर आई हुई थी, और तभी उसे जॉनी नाम का एक लड़का दिखता है जो उसकी टाइमलाइन में उसकी कंपनी का एम्प्लॉय था। उससे लिन को पता चलता है कि वो 2010 में आ गई है। लिन खुद से कहती है कि उसने 10 सालों में इतनी मेहनत की और वो वापस 10 साल पीछे आ गई है। लिन उस जगह पर जाती है जहाँ से वो आई थी। उसे लगता है कि वो वार्म होल अब भी वहाँ होगा। लिन गेट को कई बार खोलती बंद करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर गार्ड उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम जियाओ के डैड यानी उस कंपनी के चेयरमैन को देखते हैं जो कि उसे डांट रहे थे। जियाओ अपने डैड से कहता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, बल्कि वो एक पागल लड़की मेरे बीच में आ गई थी। जियाओ के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई, इतना ही नहीं मैंने तुम्हें स्पीच लिखवा कर भी दी, फिर भी तुमने ऐसा कर दिया। वहीं उसकी किस वाली फोटो को तो मैगजीन के कवर पर भी छाप दिया गया था, जिसे देखकर वहां काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं लिन अपने घर आ जाती है जहां वो 2010 में रहा करती थी। तभी लिन के फोन पर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि 2010 में आपका स्वागत है, और साथ ही लिखा हुआ था कि अगर 3 महीने में तुमने होंग यू ग्रुप के जियाओ को प्रेसिडेंट बनने में मदद नहीं की तो वो कभी भी अपने समय में नहीं जा पाएगी, साथ ही वो हमेशा के लिए गायब भी हो जाएगी। लिन जल्दी से कंप्यूटर पर सर्च करती है कि आखिर ये जियाओ है कौन। तभी वहाँ इस समय की लिन आ जाती है और वो 2020 वाली लिन को देख कर बेहोश हो जाती है। 2020 वाली लिन खुद से ही कह रही होती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मैं यहाँ पर आ गई, क्या मुझे किसी चीज की सजा मिल रही है। जियाओ की इन्फॉर्मेशन लेकर लिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिन लाइब्रेरी में आ जाती है जहाँ वो होंग यू ग्रुप के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है ताकि वो जियाओ की मदद कर सके। लिन डिसाइड करती है कि वो होंग यू कंपनी में जाएगी और वहाँ वो जॉब के लिए अप्लाई करेगी, चाहे ये कितना ही इम्पॉसिबल हो लेकिन उसे ये करना है क्योंकि उसे अपने घर वापस जाना था। वहीं जियाओ की कंपनी के लोग उसे उसके डैड से बचाने के लिए बाहर खड़े थे, ये दिखाने के लिए कि जियाओ की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उल्टा वो सभी तो उन्हें वो सब चीजें दिखा देते हैं जो उन्हें नहीं दिखाना था, जैसे गर्दन पर किस वाली फोटो और लिन के साथ की गई लड़ाई की फुटेज। बाहर आने पर जियाओ के डैड सभी से कहते हैं कि कोई भी अभी तक जियाओ की मदद करने वाला नहीं मिला है, इसलिए मैं खुद देखूंगा कि वो कैसे काम करते हैं। जियाओ ये सुनकर शॉक्ड होता है। तभी लिन वहाँ आ जाती है और चेयरमैन यानी जियाओ के डैड से कहती है कि मैं सेक्रेटरी बन सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी है। जियाओ के डैड को जरूरत तो थी, इसलिए वो उसे जॉब पर रखने के लिए मान जाते हैं, जिससे सभी एम्प्लॉयज और जियाओ शॉक्ड होते हैं। जियाओ कहता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से ये सब हुआ था, लेकिन फिर भी उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और लिन को मौका दे देते हैं। लेकिन जियाओ तो कुछ और ही समझ रहा था, उसे लग रहा होता है कि लिन उसके लिए वहाँ पर आई है, इसलिए वो भी मान जाता है। और उसके बाद वो चलते चलते ही उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिन भी कहाँ कम थी, वो भी उसे उल्टा जवाब देती है और कहती है कि मुझे भी तुम जैसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ। लिन उसे पकड़ लेती है और देखती है और फिर अपना हाथ दूर कर लेती है। लिन जियाओ से कहती है कि अगर तुमने मुझे जॉब से निकाला तो तुम्हारे डैड तुम्हारे असिस्टेंट बन जाएंगे। अब जियाओ ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो लिन को नहीं निकालता, लेकिन वो कहता है कि क्या उसे वो धमकी दे रही है। लिन कहती है कि अभी उसे काम की जरूरत है। तभी जियाओ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी 9th र्यूमर वाली गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। ये सुनकर लिन कहने लगती है कि ये कैसा इंसान है, पागल वागल है क्या। तभी जियाओ उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और तभी वहाँ लगा इमरजेंसी का बटन दब जाता है। अब होना क्या था, दोनों फिर से छुपने के लिए भागते हैं। गार्ड वहाँ आकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब जियाओ तो मान गया था उसे काम पर रखने के लिए, लेकिन उसके एम्प्लॉयज उससे कहते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि उसने तो पूरी इंट्रोडक्शन सेरेमनी बर्बाद कर दी थी, फिर भी वो उसे काम पर रख रहा है। तभी वहाँ जो लड़की थी वो सभी से तेजी से कहती है कि प्रेसिडेंट ने ऐसा उस लड़की से बदला लेने के लिए किया होगा। जियाओ भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो,
इसके बाद लिन भी उनके ऑफिस में आ जाती है, जहाँ सभी मैनेजर के सामने तो उसका तालियों के साथ स्वागत करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद कोई भी एम्प्लॉय लिन से बात तक नहीं करता। लिन कहती है कि अब मैं बैठूंगा। इसके बाद वो अपना काम शुरू करती है। तभी वहाँ की एम्प्लॉय लिन को बहुत सारा काम दे देती है और कहती है कि वो उसे पूरा करे। ये पिछले 3 सालों की कंपनी की रिपोर्ट थी, उसका डाटा था। उसे वो 1 घंटे में वो पूरा काम करने को कहती है। वो कहती है ये उसका एग्जाम है। लिन तो आराम से पूरा काम कर देती है। वहीं दूर अपने ऑफिस से जियाओ भी उसे खिड़की से देख रहा था, और जैसे ही लिन उसकी तरफ देखती है वो खिड़की बंद कर लेता है। और तभी उसका एक एम्प्लॉय वहाँ आ जाता है, तो जियाओ खिड़की खोलने और बंद करने लगता है। वहीं बाहर सू नाम का एक लड़का आता है। लिन तो उसकी आवाज से ही पहचान जाती है। दरअसल पास्ट में यही उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया करता था। तभी जियाओ लिन को बुलाने शिन को भेजते हैं। लिन भागकर जियाओ के ऑफिस में चली जाती है उसे बिना देखे। जब लिन वहाँ जाती है तो जियाओ कहता है कि उसे अंदर आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए। तो वापस लिन पीछे जाती है और डोर नॉक करके अंदर आती है। जियाओ कहता है कि तुमने रहने के लिए जगह मांगी थी लेकिन मैं नहीं दे सकता। लिन कहती है लेकिन उसे जरूरत है, उसके पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। लिन कहती है लेकिन मैंने तो देखा था कि जरूरत पड़ने पर वो एम्प्लॉयज को रहने के लिए जगह देंगे। जियाओ कहता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिनको जरूरत है। लिन बाहर आ जाती है और वो कर ही क्या सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि जियाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अब भी जियाओ खिड़की से ही उसे ही देख रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास बैठी थी। रात को जब लिन वही ऑफिस का बाथरूम इस्तेमाल कर रही थी, तो जियाओ वहाँ समझता है कि कोई वहाँ घुस गया है, इसलिए वो कचरे की बाल्टी उठा लेता है और लिन के ऊपर डाल देता है। लिन गुस्से से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। जियाओ कहता है कि क्या तुम यहाँ रुकने वाली हो, और उसे यहाँ रुकने से मना करता है। इसलिए लिन बाहर आ जाती है। वो रात को अकेले सड़क पर चल रही थी, तभी वहाँ जियाओ आकर उससे कहता है कि क्या उसके पास सच में कोई घर नहीं है। वो कहती है कि हाँ नहीं है। तो जियाओ कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हारे रहने के लिए घर का इंतजाम कर दूंगा। इसलिए आज वो उसे अपने घर ले जाते हैं। घर आकर जियाओ उसे सोफे पर सोने के लिए कहते हैं और उसे उसके बिस्तर दे देते हैं। लिन सोचने लगती है कि मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं है और यहाँ जियाओ भी है, इसलिए लिन कपड़ों के साथ ही सो जाती है। जियाओ उसे बाद में देखने भी आता है और देखता है कि वो उन्हीं कपड़ों में सो गई थी। उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कहता है कि अब इसे कल कपड़े दिलाने होंगे। फिर वो एक पिलो लाकर उसके सिर के नीचे लगा देता है और अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग उठते ही लिन उसके रूम का डोर नॉक करती है। वो खोलता उससे पहले ही लिन अंदर घुस जाती है। जियाओ कहते हैं कि मुझे उठने तो दो, उससे पहले ही तुम तो मेरे पीछे पड़ गई हो। लिन कहती है कि अब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। जियाओ कहते हैं कि अगर मेरा मन हुआ तो मैं आज जाऊँगा भी नहीं। लिन गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तो जियाओ कहते हैं कि अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो जल्दी से रेडी होने लगता है। फिर वो साथ में ब्रश करते हैं। लिन तो उसे ही देखे जा रही थी, क्योंकि जियाओ के पास इलेक्ट्रिक ब्रश था, वहीं लिन के पास नॉर्मल। इसके बाद जिन कपड़े पहनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगाता है कि वो आज क्या पहने। लिन कह रही होती है कि जल्दी करो, तुम्हें लेट नहीं होना है। वो उससे आगे कहती है, उससे पहले ही जियाओ रेडी होकर आ जाते हैं। वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही उसे शिन से पता चलता है कि उसके होटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। शिन जियाओ को बताता है कि मैरिज हॉल डबल बुक्ड है। शिन कहता है कि जिसने बुक किया है वो तुम्हारे डैड के अच्छे दोस्त है। वो ये भी बताता है कि उन्होंने तुम्हें कॉल भी किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। जियाओ को याद आता है कि उससे कॉल तो आया था लेकिन उस वक्त वो गेम खेलने में बिजी था। जियाओ कहता है कि उसके पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, वो शायद भूल गया होगा। शिन कहता है कि तुमने उन्हें हाँ भी कहा था। जियाओ कहता है कि क्या ये सब मेरा काम है। दरअसल ये सब जियाओ की ही गलती थी, लेकिन जियाओ शिन से कहता है कि उसके डैड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और वो कोई सॉल्यूशन सोचने लगता है। शिन कहता है कि उन्हें उसके डैड को बताना होगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तभी शिन जियाओ को बड़ा झटका देते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड भी शादी में आ रहे हैं, इसलिए वो कहीं और तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए उसे उसके डैड के पास जाना ही पड़ता है। साथ ही वो लिन से वहाँ जाकर कुछ भी बोलने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो आज तुम सड़क पर सोगी। अब वो उसके डैड के पास आ जाता है, जहाँ उसके डैड उस पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जिसने होटल बुक किया है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जियाओ कहता है फिर आप खुद ही बात कर ले। उसके डैड उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने चेक किया था, वो लोग कल उसके फोन पर कॉल भी कर रहे थे लेकिन उसने उठाया नहीं। जियाओ कहते हैं कि मुझे तो कोई कॉल ही नहीं आया। तभी सिचुएशन संभालते हुए लिन कहती है कि जियाओ ने कुछ और ही प्लान किया है ताकि शादी यादगार हो और प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल जाए। इससे तो जियाओ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर ये लड़की बोले क्या जा रही है। लिन कहती है कि ये सब जियाओ लीजर होटल में ही करेंगे। जियाओ के डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो ये सब करने वाला था। वो कहते हैं कि हाँ हाँ, ऑफिस में भी आने पर
वो जाओ लिन से कहता है कि उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया है, इसलिए अब वो सारा काम खुद ही करेगी। लिन जाओ से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें एक और मौका मिला और तुम ये सब बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो। इसके बाद लिन अपने काम पर लग जाती है और होटल के इंडोर आउटडोर फोटोज मांगती है और एक प्लान बनाती है जिससे शादी अच्छी हो सके। और जाओ उसी के साथ बैठा था। लिन उससे उस लड़की की जिसकी शादी थी उसके बारे में पूछती है कि उसकी एज, उसका पसंदीदा फ्लावर, खाना क्या है। वहीं उसके डैड का असिस्टेंट उनको बताता है कि जाओ ने कोई भी दूसरा होटल बुक नहीं किया है। उसके डैड सोचते हैं कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। वहीं लिन लड़की की सारी फेवरेट चीजें छत पर रखवा कर सफाई के लिए कहती है और कहती है कि वो जाओ से एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए भी कहेगी। तभी जाओ कहता है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट जाओ कहकर बुलाया करो। लिन ऐसा ही करती है। जाओ लिन से कहता है कि क्या वो लोग छत पर शादी करने के लिए मान जाएंगे। लिन कहती है कि उसे उसका एक्सपीरियंस है, सब ठीक होगा। वो जाओ को बताती है कि अभी लड़की 22 की है तो उसने बहुत सारे ड्रामास तो देखे ही होंगे और साथ ही उसकी पसंद की चीजें हुई तो उसे और ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ही वो जाओ को समझा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम इस समय की लिन को देखते हैं जो सू के पास आई थी। वो उसे कहती है कि कल वैलेंटाइंस डे है। सू उससे कहता है कि कल मुझे बहुत सारा काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो यहाँ बैठा मैरिज के बैकअप प्लान पर काम कर रहा था जो कि उसने जियाओ की कंपनी से चुराया था। वहीं हम जियाओ और लिन को देखते हैं जो लाइट चुरा रहे थे ताकि कल की तैयारी कर सके, ताकि उसके डैड को कोई भी कमी महसूस ना हो और उन लड़की वालों को भी सब कुछ अच्छा लगे। जियाओ लिन से कहते हैं कि वो शिन से ये सब काम करने के लिए क्यों नहीं बोलती। लिन कहती है क्योंकि वो अभी और भी काम कर रहे हैं। जियाओ लिन से कहता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। लिन कहती है कि तुम अपनी बातें बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। वो काम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से लिन सू को भागते हुए देखती है जिसके पीछे इस समय की लिन थी। 2020 वाली लिन जियाओ को पकड़कर उसके पीछे छिपने लगती है ताकि इस समय की लिन उसे देख न ले। जियाओ सोचता है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, इसका दिमाग सही से काम नहीं करता क्या। जियाओ को किसी की आवाज़ आती है तो वो लिन का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है। वहीं इस समय की लिन सू के लिए चॉकलेट लाई थी और बहुत ही खुश थी। लिन सू को चॉकलेट देती है, वो एक खा भी लेते हैं और वहाँ से चला जाता है। तभी एक गार्ड से उसकी चॉकलेट गिर जाती है जिससे लिन को गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर वो उस डब्बे को किस करती है। वहीं लिन और जियाओ छुप छुपा कर बल्ब लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद कोई सू को कॉल करके बताता है कि होंगयो ग्रुप वाले छत पर शादी करने का प्लान कर रहे हैं जिससे सू खुश नहीं था। वहीं लिन, जियाओ और बाकी सभी एम्प्लॉयज शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। यहाँ जब जियाओ और वो साथ बैठे थे तो बातों ही बातों में जियाओ उसकी पहली बार तारीफ कर ही देता है। जियाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो दिमाग है। लिन कहती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और तैयारियां करना बाकी है। लिन जियाओ से पूछती है कि इतनी रात को तुम्हें कॉफी कहाँ से मिल गई। वो बताता है कि इंटरनेट कैफे में लोगों को रात भर जगाए रखने के लिए यही चीज तो काम में आती है। मतलब ये था कि जियाओ कॉफी वहीं से लाया था। जियाओ कहता है कि वहाँ का बॉस मुझे जानता है इसलिए उसने 20 खरीदने पर मुझे एक फ्री दी है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उन्हें कहता है कि सारी लाइट्स लगा दी गई है और तार जोड़ दिए गए हैं। तो लिन उसे लाइट्स चालू करने के लिए कहती है और जब लाइट्स चालू होती है तो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जियाओ को उसकी पैर की चोट दिखती है तो वो उसे बैंडेज देता है। लिन कहती है कि तुम ये कहाँ से लेकर आए। जियाओ कहता है कि मेडिकल स्टोर 24/7 खुला रहता है। लिन अब भी अपनी चोट को इग्नोर करते हुए काम पर ही ध्यान दे रही होती है तो जियाओ खुद ही उसे बैंडेज लगाने लगता है और लिन उसे देख रही होती है। अगले दिन सू ऑफिस आता है और अपना मैरिज बैकअप प्लान देता है, लेकिन डायरेक्टर वो आकर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि चेयरमैन ने कहा है जियाओ खुद ही वो सब कुछ संभालेगा तो उन्हें वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिंग डिंग, जो कि वहाँ पर एम्प्लॉय था वो सू से कहता है कि वो बुरा ना माने, लेकिन अब क्या, उसे तो बुरा लग चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात को चेयरमैन और उनके दोस्त को साथ देखते हैं जहाँ उन्हें नहीं पता था कि आखिर जियाओ ने क्या किया है, लेकिन उन्हें छत के ऊपर वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वहीं लिन शिन से पूछ रही थी कि आखिर जियाओ है कहाँ। शिन कहता है कि मैं उसे कॉल भी किया था। फिर लिन वॉकी टॉकी से बात करते हुए जियाओ से कहती है कि सब रेडी है इसलिए कुछ भी गड़बड़ ना हो। सब कुछ सही चल रहा था, दुल्हन की एंट्री भी हो गई थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। लिन जनरेटर चालू करने के लिए कहती है तो शिन कहता है कि इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लिन भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन तभी अचानक से सभी आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ फायर क्रैकर्स चल रहे थे। सभी उन्हें देखने लगते हैं और तभी लाइट्स भी आ जाती है और उसके साथ ही जियाओ भी वहाँ आ जाता है। दरअसल जियाओ ने ये सब किया था। लिन जियाओ से पूछती है
कि क्या तुमने पहले से ये सब तैयारी कर ली थी? तो वो कहता है कि हाँ। जाओ कहता है कि एक बॉस हमेशा बॉस ही होता है। साथ ही जाओ कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं भी अच्छे से काम करना जानता हूँ। लिन ताली बजाकर कहती है कि हाँ हाँ वो ही सबसे बेस्ट है। जाओ लिन से कहता है कि अब भी क्रेडिट उसी को जाना है, इसलिए वो उसे चॉकलेट खाने को देता है। लिन कुछ कहने चाहती है, उससे पहले जाओ कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसलिए तारीफ करने की जरूरत नहीं है। लिन कहती है ये दुल्हन को दी गई गिफ्टेड चॉकलेट है, तुम इसे कैसे खा सकते हो? जाओ कहता है कि इसमें क्या है, चॉकलेट ही तो है। जाओ कहता है वो चॉकलेट खाए और खुश रहे, फालतू की टेंशन ना ले। तभी लिन पास्ट की बात सोचने लगती है, जब सू ने उसकी चॉकलेट नहीं ली थी। तभी जाओ कहता है कि मैं वो शैंपेन पीऊंगा। वो लिन को भी एक ग्लास देता है। लिन तो उसे पीकर वही पर बेहोश हो जाती है। जाओ कहता है कि ये क्या था, ये तो एक ग्लास में बेहोश हो गई। वो फिर उसे ठंड न लगे तो अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है। फिर भी उसे ठीक नहीं लगता तो वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी से घर ले जाता है। मॉर्निंग जब लिन की आँख खुलती है तो वो जाओ को अपने पास देख कर डर जाती है और उसे मार देती है और कहती है कि वो उसके बिस्तर पर क्या कर रहा है। लिन कहती है कि तुम मुझे सोफे पर भी तो सुला सकते थे ना। वो कहता है कि हाँ मैं ये करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि तुमने इतना काम किया है तो थक गई होगी। जाओ उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितनी भारी हो, तुम्हें उठा कर तो मेरा हाथ ही दर्द हो गया। और वो अपना हाथ पकड़ कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब दोनों एक साथ बैठे थे तो जाओ लिन को बताता है कि तुम्हें जो रहने के लिए जगह मिलने वाली थी उसने मना कर दिया है, इसलिए वो अपने घर पर उसे रखने के लिए मान जाता है। तब तक जब तक उसकी फर्स्ट सैलरी नहीं आ जाती, क्योंकि उसके बाद तो वो रेंट पर भी रह सकती है। लिन तो मन में सोच रही होती है कि आखिर ये सोच क्या रहा है। जाओ उसे चाबी देने जाता है तो लिन खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो चाबी पीछे करके वहाँ रहने के कुछ नियम बताता है। जाओ पहला नियम बताता है कि एक महीना उसे वो उसके पास रखेगा, जिसके बाद उसे किराए पर रहना होगा। दूसरा नियम, साफ सफाई और खाना बनाने का काम वही करेगी। तीसरा, जब वो गेम खेलेगा तब वो उसे परेशान नहीं करेगी। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, इन सभी बातों का उसके डैड को पता न चले, अगर कोई भी नियम टूटा तो वो सीधा घर से बाहर जाएगी। लिन कहती है वो एक और नियम जोड़ना चाहती है, जो कि पांचवा नियम होगा, जो कि ये है कि तुम किसी को भी ना बताओ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही हूँ। जाओ उसे चाबी दे देता है। फिर जाओ और वो साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लिन जाते वक्त मन में कहती है कि जैसा चल रहा है उसके हिसाब से तो जाओ जल्द ही हॉन्ग्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन लिन परेशान थी, उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, अब तो कोई उससे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकता था। ये सब लिन सोच रही होती है तभी जाओ उससे कहता है कि वो इतना ज्यादा सपना ना देखे, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकती। लिन तो ये सुनकर शॉक्ड होती है, लेकिन वो तो नियम की बातें कर रहा होता है। जाओ लिन से कहता है कि उसकी इससे पहले 8 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लिन जाओ से कहती है कि वो इतना ज्यादा कैसे सोचता है। जाओ उसे कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी उसे उसके पैर की चोट दिखती है, जो कि सैंडल की वजह से लगी थी, इसलिए वो एक स्टोर से उसके लिए शूज खरीदता है और उसे देता है। लेकिन लिन कहती है कि ये क्या है। जाओ कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। लेकिन लिन तो उसे पहनती नहीं है। लिन कहती है कि ये सब तो छोटी बच्चियों को पसंद आते हैं और कहती है कि अभी हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो ऑफिस चलते हैं। इस सब से जाओ को गुस्सा आता है, एक तो वो जूते लाया और उसने फेंक दिए। ऑफिस आने के बाद जाओ लिन को बुलाता है और बहुत काम करवा कर परेशान करते हैं और उसे बार बार कॉफी और दूध मांगते हैं। उससे पिया नहीं चाहता तो वो अपने सास शेन को भी पिलाता है, उसका तो पेट ही खराब हो जाता है। दरअसल जाओ चाहता था कि थक कर लिन वो जूते पहन ले, लेकिन वो तो थकती नहीं है। इसके बाद तो जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो लिन को 45th फ्लोर ले, लेकिन वो तो थकती नहीं है। इसके बाद तो जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो लिन को 45th फ्लोर पर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जाने को कहता है और 3 महीनों की सारी कंपनी की पब्लिसिटी प्रोजेक्ट प्लानिंग को लाने को कहता है। और इतना ही नहीं, वो तो सारी लिफ्ट बंद करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जाओ के डैड का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि इस बार जाओ ने बहुत अच्छा काम किया है। वो बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। वो कहते हैं आखिर वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और वो कहीं और नहीं उसकी कंपनी में आ जाते हैं और लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ लिफ्ट बंद करने जा रहा था और उसी बीच उसके डैड लिफ्ट में फंस जाते हैं। जब उसे पता चलता है तो वो अपने डैड के लिए भागता है। वहीं हम लिन को देखते हैं जिसे डॉक्यूमेंट लाने थे, वो तो बाकी एम्प्लॉयज को ये सब बता देती है। तो वो लोग आपस में रॉक पेपर सीजर करते हैं, क्योंकि वो लोग जाओ को खुश करना चाहते थे। तभी चेयरमैन लिन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ जाओ पहले से ही था। चेयरमैन लिन से कहते हैं कि वो आज से जाओ पर अपनी पूरी निगरानी रखे ताकि वो कोई भी गलत काम न करे। जाओ कहते हैं कि क्या, लिन तो खुश थी। चेयरमैन कहते हैं अगर जाओ ने गलती करी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। वो तो जाओ को देखने लगती है। लिन तो बाद में बैठकर सोच रही होती है कि ऐसे कैसे ये प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि उसे तो वापस जाना था।
इसके बाद टोरलिन हर जगह उसके आगे पीछे घूमने लगती है, जिससे तो जाओ और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर वो से सू को पता चलता है कि कंपनी में कोई लिन नाम की लड़की आई है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है। वही लिन तो बाथरूम में भी जाओ को पीछे नहीं छोड़ती है और बाहर खड़ी हो जाती है। तभी जाओ भागता है और लिन नीचे गिर जाती है और उसका फोन भी पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो जाओ के ऊपर पानी फेंकती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है। इसलिए जाओ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए उसके डैड देख लेते हैं। वही लिन तो गुस्से में रिजाइन लेटर देने जा रही थी, जिसे शिन रोकता है। शिन तो उसके पैर ही पकड़ लेते हैं, कैसे तो वो रुकी जाती है। वही जाओ तो गेम खेल रहा होता है। वहाँ लिन पहुँच जाती है और कंपनी में चलने को कहती है। वो नहीं चलता तो वो भी वही गेम खेलने बैठ जाती है और उससे जीत भी जाती है। वही जाओ के डैड का असिस्टेंट उसके डैड से कहता है कि लिन ने उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया था आज। चेयरमैन गुस्से से उठते हैं और तेजी से कहते हैं कि अभी के अभी लिन को इस महीने का बोनस दो। असिस्टेंट ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और सोच रहा होता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। लिन तभी वहाँ जाओ को लेकर आ जाती है। साफ दिख रहा था कि जाओ की हालत खराब है। इसके बाद लिन ही उसकी हालत सुधारती है और फिर वहाँ एक मीटिंग होती है जिसमें कुछ लोग आए थे, जहाँ एक न्यू मेंबर भी आती है जो प्रेसिडेंट जाओ की बेटी थी। मीटिंग में कुछ ज्यादा खास ना होता देख वहाँ से एक लेडी चली जाती है क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। वहीं बाहर लिन से मिलने सू आता है, वो उसे देखना चाहता था। वहीं जाओ की बेटी येन जियाओ को पसंद करती थी। सभी जब लिफ्ट में जाते हैं तो लिन कहती है वो सीढ़ियों से आ जाएगी। जियाओ भी उसके साथ सीढ़ियों से जाने का डिसाइड करता है। वापिस आने पर जियाओ लिन से पूछता है कि तुम्हें हर चीज कैसे पता रहती है। लिन कहती है सारा डाटा तो मेरे पास ही रहता है। इसके बाद जब लिन बाहर से जा रही थी तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और इस गाड़ी में और कोई नहीं सू ही होता है, जो उसे देख लेता है और लिन को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड होता है। लिन अपने पास्ट की यादों में खो जाती है कि कैसे सू कभी भी उसका साथ नहीं दिया करता था। वहीं जियाओ लिन का वेट कर रहा था येन के साथ, जो उसे पार्किंग में मिल गई थी। तभी वो अपनी गाड़ी के मिरर में लिन को देख लेते हैं और उसके पास आ जाता है। जियाओ लिन से पूछता है कि क्या वो सू को जानती है, तो वो मना कर देती है, जिससे तो सू को एक और झटका लगता है। उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए फिर से जियाओ उसे अपने साथ पकड़ कर ले जाता है, जो येन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी सू को लिन का कॉल आता है, जो कि इस समय की लिन थी। घर जाकर जियाओ लिन का पैर देखता है और उस पर दवाई लगाता है। इसी दौरान जब लिन खड़ी हो रही थी तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। फिर क्या था, दोनों फटाफट से अलग हो जाते हैं। रात को जियाओ उसका रेजिग्नेशन लेटर देखता है जब वो सो गई थी। लाइट चली गई थी इसलिए वो वहाँ मच्छर भगाने लगता है। अगले दिन लिन पुरानी लिन बनकर अपने दोस्त के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लेटर लिन ने लिखा था उसमें उसने जियाओ की बहुत सारी बुराइयाँ की थी, इसलिए वो शिन से इस बारे में पूछते हैं कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ क्या। जियाओ शिन से काम के बारे में पूछता है, लेकिन लिन तो पहले ही सारा काम करके गई थी। इसके बाद जब लिन ऑफिस आती है तो वो कोई भी काम करने के लिए बोलती है तो शिन कहता है वो अब प्रेसिडेंट जियाओ कर रहे हैं। दरअसल जियाओ एक अच्छा प्रेसिडेंट बनना चाहता था और हर काम अच्छे से करना चाहता था, इसलिए उसने ये डिसाइड किया था। लिन बैठी सोच रही थी कि आज रात 10 बजे दादी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ सू आकर अपना कुछ काम दिखाने लगता है, कैसे करके लिन उससे बात करती है। चेयरमैन को देखते हैं जो किसी को बुलाते हैं और वो तुरंत आ जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जियाओ टाइम पर वहाँ पर आया है और काम की बात कर रहा है। यहाँ येन एक प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन जियाओ को देखकर नहीं लग रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड था। जियाओ जब बाहर आता है तो देखता है कि सू लिन के पास बैठा उससे बात कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लगता। जियाओ सू से कहता है कि वो वहाँ क्या कर रहा था। वो कहता है कि वो बस शादी के बारे में कुछ पूछ रहा था। जियाओ कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना। जियाओ लिन से कहता है कि अब से तुम किसी को भी ऐसे कुछ भी नहीं बता सकती। तभी वहाँ पर येन आ जाती है। येन जियाओ से कहती है कि हमारी मीटिंग है, लेकिन वो लिन को आने से मना कर देती है। दरअसल येन उससे बहुत ज्यादा जलती थी, लेकिन उसके सामने प्यार से बात करती थी। अब लिन को मीटिंग में नहीं बुलाया था तो वो बाहर हॉस्पिटल चली जाती है अपनी दादी को देखने, जहाँ पहले से ही इस टाइम की लिन बैठी हुई थी, जो कि अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। जहाँ इस समय की लिन को उसके ऑफिस से कॉल आता है। लिन कहती है कि उसकी दादी बीमार है, लेकिन वो तो उसका यकीन ही नहीं करते। जब इस समय की लिन बाहर उदास बैठी थी तो उसके पास एक जोकर आता है, जो उसके लिए बलून लाया था। दरअसल ये 2020 की लिन थी, जो कुछ नोट्स भी बनाकर वहाँ पर लाई थी। वो उसे देती है जिस पर लिखा था कि हम सभी इस जिंदगी में लोगों को अलविदा कहना सीखते हैं। हम बचपन को अलविदा कहते हैं, दोस्तों को अलविदा कहते हैं, फैमिली को भी अलविदा कहते हैं, और एक दिन इस दुनिया से भी अलविदा कह देते हैं। लेकिन हर एंडिंग की एक बिगनिंग होती है, यानी एक नई शुरुआत। अपने आप को इस लायक बनाओ और देखना, एक दिन चमत्कार तो जरूर होगा।
लिन कहती है रोना कमजोरी की एक निशानी है। लिन कहती है मैंने यही पिछले 10 सालों में सीखा है। वो कहती है मैं अपने पास्ट को अलविदा कहने के लिए तैयार हूँ। दरअसल लिन ये सब खुद को ही कह रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम जियाओ को देखते हैं जो ऑफिस में ही सो गया था। इसके बाद हम जियाओ और यान को देखते हैं जिन्होंने कुछ प्लान्स बनाए थे क्योंकि उनके होटल में कोई आ रहा था। लेकिन जब वो अपना प्लान चेयरमैन को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि इस लिस्ट में कहीं भी लिन के काम का तो जिक्र तक नहीं हुआ है और लिन को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था क्योंकि उन्होंने उसे मीटिंग में बुलाया जो नहीं था। चेयरमैन गुस्सा करते हैं तो यान कहती है कि वो उसका भी काम उस लिस्ट में ऐड कर देगी और वो तो लिन को साफ सफाई का काम दे देती है ताकि वो जियाओ से दूर रहे। जियाओ भी कुछ नहीं बोल पाता। जब दोनों घर पर थे तो लिन कहती है वो पागल है क्या, उसे क्या काम दिया है। लिन कहती है अगर उसे गलती हुई उस काम में तो वो क्या करेगा। जियाओ उससे कहता है कि ये फैसला यान का था। लिन कहती है कि बॉस कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तुम हो ना तो फैसला क्यों नहीं लेते। अगले दिन जब सभी काम करने जा रहे होते हैं तो जियाओ यान से कहता है कि वो लिन को अपना असिस्टेंट वापस बना रहे हैं। लेकिन लिन कहती है कि मैं वो काम कर लूंगी जो मुझे मिला है। जियाओ को फिर भी लिन की फिक्र हो रही थी इसलिए वो शिन को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और उसे बताने के लिए मना करता है उसने उसे उसके पास भेजा है। लेकिन लिन तो पहले से ही सारा काम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही थी। जब शिन लिन के पास पहुंचता है तो उससे कुछ कहता उससे पहले लिन उसकी जगह पर उसे रुकने के लिए कहती है। शिन कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। लिन पूछ लेती है कि क्या जियाओ ने तुम्हें भेजा है। शिन कहता है कि हाँ, उन्हें कोई भी काम गलत नहीं चाहिए इसलिए उन्होंने मुझे देखने के लिए भेजा है। एक तरह सभी लोग एक साथ थे तो वहीं लिन अकेले काम कर रही थी। वो स्विमिंग पूल के पानी का टेम्परेचर चेक कर रही थी क्योंकि उसे सभी चीजें मेंटेन करनी थी। वहीं सभी लोग भी स्विमिंग पूल की तरफ ही आ रहे थे। जियाओ भी लिन को वहाँ देख लेता है और उसके पास आता है। लिन जाने लगती है कि तभी उसके सामने शिन आ जाता है जिसकी वजह से लिन गिरने वाली होती है कि उससे पहले ही जियाओ उसे पकड़ लेता है। लेकिन लिन तो गलती से उसे ही पानी में गिरा देती है और कहती है कि प्रेसिडेंट जियाओ गिरे नहीं है, वो बस टेम्परेचर खुद से चेक करना चाहते थे। जियाओ भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है और ये सुनकर तो लिन हंसने लगती है और फिर वो अंदर आ जाती है। जहाँ जब वो वापस रूम चेक करने जाती है जहाँ उसने सफाई की थी तो वो देखती है कि वहाँ तो जियाओ मजे से नहा रहा है। जब जियाओ बाहर आता है तो लिन उसे दिखाती है कि वो अपना रूम छोड़कर दूसरे रूम में आ गया है। उसका रूम नंबर था 5016। लिन उसे कहती है कि क्या स्विमिंग पूल में गिरने से उसका दिमाग भी धुल गया है क्या। तभी जियाओ उससे कहता है कि शायद वो भूल गई है, होटल के सारे कमरे उसी के हैं। लिन उससे कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता इसलिए अब वो अपने कमरे में जाए क्योंकि उसे वहाँ की सफाई करनी है। वो जियाओ से बाहर जाने के लिए बोल ही रही थी कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। जियाओ तो वहाँ जाने के बजाय उसे परेशान करने लगता है। लाइट्स आने पर वो वहाँ रखी एप्पल भी खा जाता है जबकि लिन ने उसे मना किया था। दोनों एप्पल खाने का कॉम्पिटिशन करने लगते हैं। जब लिन उसके कपड़े लेने जाती है तो उसे उसका रेजिग्नेशन लेटर मिलता है तो लिन जियाओ के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगती है। जियाओ जाने लगता है तभी लिन उसे कहती है कि हकीकत में तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था रेजिग्नेशन लेटर देने का। इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो जियाओ और लिन के पास आया था। लिन शिन से कहती है कि वो सारी बातों का ध्यान रखे और जिस फ्लोर पर गेस्ट रुके वहाँ की लाइट बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। शिन वापस जा ही रहा था कि वो यान से टकरा जाता है। यान कहती है अगर वो चाय उसके ऊपर गिराता तो वो उसे बहुत मारती। यान शिन से कहती है कि वो जियाओ को अदरक वाली चाय देने जा रही है लेकिन शिन उसे रोकता है क्योंकि वो जानता था कि वहाँ जियाओ लिन के साथ है। शिन कहता है कि मैं भी अदरक वाली चाय ही देने गया था लेकिन उन्होंने नहीं ली। यान कहती है कि वो मेरी चाय जरूर पिएगा। कैसे तो बहाना बनाकर शिन यान को रोक ही देता है। वहीं लिन जियाओ को देख रही थी तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना घूर घूर कर क्या देख रही हो। जियाओ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं जिनको वहाँ आना था और वो 2 दिन और 1 रात के लिए आए थे लेकिन एक बंदा अब भी कम था इसलिए जियाओ कहता है कि जरूर कोई मोटा आदमी होगा। तभी वहाँ पर एक मोटा आदमी आता है जिसके साथ एक लड़का था और वो लड़का ही सुई था जिसका वो लोग वेट कर रहे थे और उसके काम के लिए शिन लिन को भेजता है क्योंकि सभी काम वाले बिजी थे। लिन सुई को अपना इंट्रोडक्शन देती है लेकिन ये देख कर जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी असिस्टेंट आज एक दूसरे लड़के के लिए काम कर रही है। जियाओ शिन से लिन पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं लिन सुई को उसके कमरे में ले जाती है जहाँ कमरा सुई को बहुत ही पसंद आता है। लिन उसे कहती है कि उसे जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। इसके बाद हम जियाओ को देखते हैं जो यान के साथ एक मीटिंग में था। तभी वो बाहर लिन और सुई को देखता है जहाँ सुई स्विमिंग पूल में नहा रहा था। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो सुई के बालों को टॉवल से पोंछने लगती है और दूर से उन्हें जियाओ देख रहा था। सुई लिन से पूछता है कि क्या उसने बटलर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री की है। लिन सुई से कहती है कि उसने उस काम के लिए कोई भी डिग्री नहीं ली है।
लेन उसे बताती है कि वो पहली बार ये काम कर रही है और आगे कहती है कि उसका जो बॉस है वो उसी की तरह है, उसकी वजह से ही वो ये सब काम जल्दी सीख पाई है। वो जाओ का नाम लेती है कि तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और तभी वहाँ एक बिल्ली को देखकर लिन डरने लगती है। जाओ देखता है कि उससे ज्यादा तो सुई डरा हुआ था। जाओ उसी वक्त सुई से कहता है कि लिन उसकी पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन उसने सिर्फ उसके लिए उसे बटलर बनाया है। वो सुई से कहता है कि तुम लिन को इसी वक्त मेरे पास भेज दो क्योंकि मुझे काम है, लेकिन सुई तो कैट से डरा हुआ था। इतना ही नहीं, वहाँ पर लिन को बचाने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड सू भी वहाँ आ जाता है। जाओ तो बस इधर उधर देख रहा था कि आखिर ये कहाँ से आ गया। दूसरी तरफ हम यन को देखते हैं जो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी इस बात से कि जाओ उसे पसंद करने लगेगा। तभी वहाँ एक वर्कर चिल्लाती हुई जाती है कि स्विमिंग पूल के पास एक कैट है। यन जल्दी से वहाँ जाती है क्योंकि कैट तो उसी की थी। सू उस कैट को यन को दे देता है, लेकिन यहाँ हम सुई को देखते हैं जो उन्हें तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके सामने एक एम्प्लॉय को जिसने उसे कैट के बारे में नहीं बताया था उसे निकाल देता है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि अब से उन्हें और चीजों का ध्यान देना पड़ेगा और सभी चीजें सही करनी पड़ेगी। सुई के जाने के बाद तो जियाओ यन से कहता है कि क्या उसने नहीं देखा था कि सुई को कैट से एलर्जी है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए जियाओ फिर से शिन को लिन पर नजर रखने के लिए कहता है। मॉर्निंग जब शिन उसके पास आता है तो बताता है कि लिन सुई के कपड़े ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी, जिससे जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फिर वो शिन से कहता है कि लिन ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए तुम उसके लिए कुछ ले जाओ। फिर वो खुद ही रेडी हो जाता है और गेट के अंदर से एक आदमी की आवाज़ सुनकर बाहर आता है और सुई से कहता है कि वो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो वो साथ कर सकते हैं। सुई कहता है कि ठीक है। जियाओ शिन से वाइन की बोतल के लिए कहता है। जियाओ तो सुई के साथ चला जाता है, लेकिन शिन लिन को अपने साथ ले जाता है जैसा कि जियाओ ने सोचा था। शिन उसे पहले खाना खाने के लिए कहता है। तभी जियाओ के रूम के बाहर येन आ जाती है, लेकिन दरवाजा तो लिन खोलती है, जिससे येन बहुत ज्यादा हैरान थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। येन तो उसके पीछे पड़ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर उसका और जियाओ का क्या रिश्ता है। लिन कहती है कि वो बस उनकी एक साधारण सी वर्कर है। येन कहने लगती है कि अगर वो साधारण है तो यहाँ खाना क्यों खा रही है। लिन उससे कहती भी है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और ये भी कहती है कि जियाओ को मुझ जैसी लड़की में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लिन कहती है वो बस अपना काम कर रही है। तभी अचानक लिन खांसते हुए बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जियाओ सुई के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी शिन उसे आकर बताता है कि पता नहीं कैसे लेकिन लिन बेहोश हो गई है। डॉक्टर येन को बताते हैं कि उसे एलर्जी के कारण ये हुआ है, लेकिन लिन तो अब भी इस हालत में सुई के पास जाने लगती है। तभी उसे जियाओ पकड़ता है और कहता है कि क्या वो पागल हो गई है, और ये येन देख रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जियाओ तो लिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सुई भी बेहोश हो जाता है। लिन वहाँ आकर उसे दवाई देती है। सुई और लिन हॉस्पिटल में आ गए थे। जियाओ तो लिन की यादों में खोया हुआ था और उसी के पास बैठा था। लिन तो उठते ही सुई के बारे में पूछती है। जियाओ कहता है कि वो प्राइवेट वार्ड में है, वो उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है। तभी वहाँ शिन आता है और लिन को बताता है कि शायद हॉल के एक नैपकिन की वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद हम सू को देखते हैं जिसने अपने फायदे के लिए उस नैपकिन को सुई के पास रखा था। दरअसल वो तो चाहता ही था कि जियाओ प्रेसिडेंट न बने और उनकी बेइज्जती भी हो सबके सामने। इसके बाद जियाओ को उसके डैड बुलाते हैं यानी चेयरमैन, जहाँ येन उनसे कहती है कि जियाओ की इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये गलती मेरी है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है जो कि उसके डैड का दोस्त भी था कि अगर जियाओ से काम नहीं होता तो वो रिजाइन क्यों नहीं दे देता। वो तो हाथ धोकर जियाओ के पीछे पड़ जाता है और कहता है ऐसे तो वो रोड पर आ जाएंगे। जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं कल तक सब कुछ ठीक नहीं कर देता तो मैं रिजाइन दे दूंगा। हॉस्पिटल में जब वो आता है तो शिन और लिन उसे देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था। लिन कहती है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालना होगा और वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। तभी बातों ही बातों में शिन बोल ही देता है कि जियाओ ने उसे उसकी मदद के लिए भेजा था। इसके बाद लिन सुई के पास आती है और उसे माफी मांगने लगती है और खुद की गलती बताती है, लेकिन सुई उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सुई उससे कहता है लेकिन तुम अपने गैर जिम्मेदार बॉस को क्यों बचा रही हो। लिन कहती है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि उसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिन कहती है कि जियाओ बाकी बॉस से थोड़ा अलग है, वो सबकी मदद करता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। तभी वहाँ पर जियाओ भी आ जाता है और सुई से माफी मांगने लगता है। सुई ने तो एडवोकेट भी कर लिया था। जियाओ उससे कहता है कि वो उसके ऊपर केस कर सकता है, लेकिन प्लीज उसके होटल पर ना करे। सुई कहता है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक बात है और वो ये है कि वो होटल को मैनेज नहीं करना जानता,
लेकिन वो एक अच्छा प्रेसिडेंट जरूर बन सकते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज सुई से कह रहे थे कि वो जियाओ को सजा ना दे बल्कि हमें दे दे, जिससे वो समझ गया था कि जियाओ इतना खराब भी नहीं है जितना वो समझ रहा था। इसके बाद जियाओ के पास शिन आता है और उससे कहता है कि उन्हें एक ईमेल मिला है। दरअसल अब सुई इस इंसिडेंट को लेकर कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उनके स्टाफ में से ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। जियाओ कहता है कि अब वो सभी को मीटिंग में बताएगा जो ज्यादा बोल रहे थे। वहीं हम घर में लिन और जियाओ को साथ में देखते हैं जहाँ जियाओ उसे घर के नियम बता रहा था, जिसके बाद वो आज सोफे पर सोने के लिए आता है और लिन को बेड पर जाने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि वो नहीं चाहता कि वो कल भी बेहोश होकर इधर उधर भागे, इसलिए वो आज अच्छे से सो जाए। लिन तो फटाफट से बेड पर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियाओ के डैड के दोस्त को देखते हैं जिसने ये सब किया था। वो और सू मिले हुए थे, साथ ही डिंग डिंग को भी ये सब के बारे में मालूम था। वो कहता है कि उनकी कंपनी यानी जियाओ की कंपनी में कोई समझदार नहीं है, इसलिए वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे मीटिंग होती है जहाँ इसी बात पर चर्चा होनी थी यानी कैट वाले टॉपिक पर, जहाँ जियाओ की बात को भी उसके डैड का दोस्त एनकाउंटर कर देता है। वहीं लिन लेट उठी थी तो वो रेडी होने जाती है। वहीं मीटिंग में आकर डिंग डिंग सभी को उनके होटल की सारी खामियां बताने लगता है। वो बताता है कि इस तरह की पोस्ट कई लोग करने लगे हैं। दरअसल सभी जियाओ को उसकी पोस्ट से यानी प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहते थे। तभी जियाओ के डैड कहते हैं कि सभी शेयर होल्डर्स की वोटिंग होगी और वोटिंग शुरू होती है। सभी चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट ना बने। येन भी अपने फादर को ये सब करने से रोकती है लेकिन वो नहीं रुकते और इसी तरह मीटिंग खत्म हो जाती है और जियाओ को हटा दिया जाता है उसकी पोस्ट से, तब तक जब तक वो कैट वाले इंसिडेंट का सच नहीं ढूंढ लेता। इसके बाद जियाओ जब समुद्र के किनारे खड़ा था तभी उसके पास लिन आती है। जियाओ कहता है कि अब उसे होटल चलाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लिन तो ऐसा नहीं चाहती थी। दरअसल ऑनलाइन जियाओ को सब कह रहे थे कि उसका होटल खराब है, तो लिन उसे कहती है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है, वरना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो वो अपना प्लान बनाते हैं और हर साइबर कैफे में जाते हैं। एक जगह एक बंदा जियाओ के बारे में बुरा बुरा लिख रहा था तो वो लोग उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ते हैं। सू भी वहाँ आ गया था। इसके बाद रात को सभी एक साथ बैठकर पार्टी करते हैं जहाँ जियाओ सभी के काम की तारीफ करता है। सबके जाने के बाद जब लिन और जियाओ साथ बैठे थे तभी लिन जियाओ का शुक्रिया कहती है क्योंकि हॉस्पिटल में जियाओ उसके साथ पूरी रात था। जियाओ उसे आउटडोर शादी करवाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। लिन भी सफेद जूते और चॉकलेट के लिए शुक्रिया कहती है। जियाओ भी कहता है कि मेरे असिस्टेंट बनने के लिए शुक्रिया और दोनों शुक्रिया शुक्रिया कहते एक दूसरे को देखने लगते हैं और किस करने वाले होते हैं कि तभी शिन जो कि ड्रिंक करके सो गया था वो उठ जाता है तो दोनों दूर हो जाते हैं। फिर वो वापस सो जाता है। घर पर भी लिन जियाओ के बारे में सोच रही थी, वहीं जियाओ भी लिन के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे कंपनी में दोनों एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। ऑफिस में आने पर उसके डैड उसे यू रॉन्ग विला देते हैं जिसे वो खोलना चाहते थे, लेकिन जियाओ वहाँ काम नहीं करना चाहता था जिससे उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियाओ वहाँ से जा ही रहा था कि उसके डैड को वो लिन को बुलाते हुए सुन लेते हैं। लिन बाहर आती है तो जियाओ उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसके डैड ने उसे क्या कहा। जब वो उसे करीब जाकर पूछ रहा था तभी उन्हें कुछ एम्प्लॉयज देख लेते हैं। लिन वहाँ से चली जाती है। वही येन को भी पता चल जाता है कि जियाओ यू रॉन्ग विला जा रहा है, इसलिए वो भी जाने लगती है। फिर जब उसे शिन बताता है कि वह उसका ख्याल लिन रखेगी तो वो कहती है कि अब क्या, अब तो उसे भी जाना चाहिए। जब वो सू पर चिल्ला रहा था तभी वहाँ पर जियाओ आकर उन्हें देखने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सू जियाओ की मॉम की ग्रेव पर खड़ा था। जियाओ जानता था कि वो काफी ज्यादा मेहनत किया करता था, इसलिए वो उससे उसकी टीम में आने के लिए पूछता है, वो हाँ कर देता है। इसके बाद लिन घर पर जियाओ को यू रॉन्ग विला की कुछ जानकारी देती है और कहती है कि वो चेक कर ले। साथ ही वो पैकिंग कर रही थी वहाँ जाने के लिए। जियाओ तो उसे कहता है कि वहाँ धूप होगी इसलिए फेस मास्क लो और मेडिसिन भी रख लेना। साथ ही वो उसके लाए जूते भी उसे देता है। खड़े होते वक्त वो उससे टकरा जाती है तो जियाओ कहता है कि वो हमेशा जानबूझकर ऐसा करती है ना। वो कहती है कि नहीं गलती से हुआ है। फिर वो कहती है ठीक है अब से मैं तुमसे 3 मीटर दूर रहूंगी। अंदर जाकर जियाओ अपनी फैमिली फोटो देखते हैं। फिर लिन जियाओ और सू साथ में विला के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जियाओ कुछ भूल गया था। वो सबको भेज देता है और खुद उतर जाता है। जल्दी से शिन वहाँ पहुँच जाता है एक पिलो लेकर जो कि उसने लिन के सिर के नीचे लगाया था। फिर गाड़ी से वो भी निकल जाते हैं और शिन वही अकेला रह जाता है। तभी उसके पास कार लेकर येन भी पहुँच जाती है क्योंकि वो भी उसी विला जा रही थी। जब लिन जियाओ और सू विला पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो तो पूरी तरह से शांत था। रात भी हो गई थी और उन्हें यह डर लगने लगता है। तभी उनके सामने सफेद कपड़ों में कोई आता है। वो तीनों उसे देखकर चिल्लाते हैं और भागते हैं और एक रूम में चले जाते हैं।
यहाँ आकर जाओ अपने बचपन की चीजें देखते हैं। उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है। मॉर्निंग होते ही वो वहाँ के स्टाफ से मिलते हैं, जहाँ मैनेजर जाओ और एक बारटेंडर थी जिसका नाम जी था और ये एक शेफ था। शेफ उनके लिए खाना बनाता है, लेकिन वो जियाओ से अच्छी तरीके से बात नहीं करता, इसलिए जियाओ अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद खाना लेकर सू उसके रूम में आता है। यहाँ सू भी अपने किसी काम की वजह से ही आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सू को जियाओ के डैड के दोस्त ने भेजा था। जियाओ उससे कहते हैं कि एक बार बस वो प्रेसिडेंट बन जाए, उसके बाद वो काम से सभी को निकाल देगा। येन और शिन भी वहाँ आ जाते हैं। अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला था कि आखिर रात को वो भूत कौन था। रात को जियाओ को वो भूत दिखता है। पहले तो वो डरता है, फिर वो उसके पीछे भागता है और वहाँ लिन भी आ जाती है। वो कैसे तो पकड़ ही लेते हैं उसे। दरअसल ये भूत मैनेजर जियाओ की छोटी बेटी थी। जियाओ कहता है कि वो ये मुंह ढककर उसके रूम में आई थी। वो कहती है कि उसे नींद में चलने की आदत है। जियाओ के पास वैसे तो बहुत पैसा था, लेकिन जब वो शिन को उन्हें बताने के लिए बुलाता है तो शिन कहता है कि अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। स्टाफ तो जियाओ से सबूत मांग रहा था कि वो सबूत दिखाए, तभी वो मैनेजर जियाओ की बेटी को सजा देंगे। वो तो जियाओ को उससे शादी करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर येन भी आ जाती है। वो तो लड़ने ही लग जाती है। वो स्टाफ कहता है कि जियाओ बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार है, वो विला को नहीं चला सकता। जियाओ कहता है कि वो सबको बता देगा। जियाओ उन लोगों से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फियांसे है, और वो लिन को अपनी फियांसे बताता है। ये सुनकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। लिन भी कह देती है कि वो है उसकी फियांसे, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता। तो जियाओ तो वही सबके सामने लिन को किस कर लेते हैं। येन चिल्ला रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। शिन उसे शांत कराता है। येन कहती है कि मैं शांत कैसे रहूं? वो दोनों किस कर रहे हैं। दोनों बाथटब में बैठकर एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद येन लिन के पास आती है और वो कहती है कि वो जियाओ को कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो दूर हो जाए। लिन उससे कहती है कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस नाटक था। येन आराम से कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उनके बीच में ना आए। लिन कहती है ठीक है। हम शिन और येन को देखते हैं, जहाँ येन शिन को बता रही थी कि बचपन में जब वो इस जगह पर रहते थे तब जियाओ बहुत ही ज्यादा रूठ था, वो सही से उससे बात भी नहीं किया करता था। तभी वहाँ लिन भी आ जाती है। येन उससे पूछती है कि उसकी की गई डेकोरेशन उसे कैसी लगी। लिन कहती है कि अच्छी है। साथ ही येन लिन को बताती है कि पहली बार जियाओ और वो उसी जगह पर मिले थे। तभी वहाँ पर जियाओ भी आ जाता है और वो वहाँ सभी को मीटिंग के लिए कहता है। येन तो यहाँ उससे कह ही देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन जियाओ को तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो उसे इग्नोर करके लिन के पास चला जाता है। अब मीटिंग में जियाओ कहता है कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि होटल के स्टाफ उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो इसके पीछे का कारण जानना चाहते थे। जियाओ कहता है कि उन्हें पता लगाना है कि आखिर स्टाफ उस विला को चालू करना क्यों नहीं चाहते। तभी शिन कहता है कि ऐसे तो वो लोग सच नहीं बताएंगे। तभी लिन सभी से कहती है कि अगर ये 2010 है तो उन्हें तियानिया क्लब जाना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ सबूत हाथ लग जाए। तभी येन कहती है कि उन्होंने अगर पता लगा भी लिया कि वो लोग उनका साथ क्यों नहीं देना चाहते, लेकिन वो उनको मनाएंगे कैसे। तभी जियाओ कहते हैं कि हमें उन्हें अलग अलग करके समझाना होगा। जियाओ लिन को शेफ लियू से बात करने को कहते हैं, सू को जीजी से बात करने को कहते हैं, लेकिन तभी येन कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सू कहता है कि जियाओ को जीजी से बात करनी चाहिए। लिन भी येन की तरफ देखती है और कहती है उसे उसका आइडिया अच्छा लगा। लिन कहती है कि ये सही रहेगा, जियाओ जीजी के पास जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन जियाओ इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। अब सभी एक साथ हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम तैयार हैं। इसी के साथ हमें सू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वही आदमी जो जियाओ को पसंद नहीं करता है और उसके डैड का दोस्त भी है, वो सू से कह रहा था कि यू रॉन्ग विला उसी का है जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था, इसलिए अब उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। इसके बाद हम सू को देखते हैं जो लिन के लिए फ्लावर्स लाया था, इसीलिए लिन पास्ट की यादों में खो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर शेफ लियू को समझाने लगते हैं। यहाँ सू अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भी बताते हैं और लियू से कहते हैं कि अगर वो मेहनत करता रहे तो एक दिन उसे कोई ना कोई नोटिस जरूर करेगा, जैसे जियाओ ने उसकी मदद की यू रॉन्ग विला में। सू तो यहाँ जियाओ से बदला लेने आया था, ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। दूसरी तरफ जीजी के पास जियाओ आ जाता है। दरअसल सब अपने बनाए गए प्लान के हिसाब से ही काम कर रहे थे। जीजी ड्रिंक करके एक गेम खेलने को जियाओ को बोलती है तो वो मान जाता है। यहाँ जीजी उसे बताती है कि उससे पहले भी वहाँ कई बॉस आ चुके हैं। वो बताती है वो बस नेचर को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे और उन्होंने गांव वालों को भी परेशान कर दिया है, साथ ही वो विला को भी खत्म कर देना चाहते थे। जियाओ फिर उससे पूछते हैं कि जब विला 2 साल से बंद है तो वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बताती है कि मैनेजर जियाओ को अच्छा खाना पसंद है, साथ ही उनकी बेटी शैन को नींद में चलने की भी आदत है, दरअसल उन्हें ये जगह बहुत पसंद है।
इसलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जाओ उससे कहता है कि फिर वो उन्हें वहाँ से क्यों निकालना चाहते हैं। वो कहती है कि वो लोग उन्हें उनकी जॉब से निकाल देंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो वहाँ रहे। तभी जीजी कहती है कि अब सवाल करने की बारी मेरी है। जीजी उससे पूछती है कि वो उस विला को फिर से चालू क्यों करना चाहते हैं। तो जाओ बताता है कि इस जगह पर मेरी मॉम के साथ मेरी यादें हैं, इसलिए मैं इस जगह को बनाना चाहता हूँ। जाओ जीजी से बात ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है उसे बुलाने के लिए। जाओ कहता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वो उसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए शेफ ली उसे बात कर रही थी। जाओ कुछ भी नहीं सुनता और सोने चला जाता है। तभी लिन एक ड्रिंक उठाकर पी लेती है। तो जीजी कहती है इससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। लिन कहती है कि हाँ। फिर जीजी कहती है उसे प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए, चाहे वो कुछ बदल ना पाए। लिन थोड़ी सी हैरान होती है और फिर चली जाती है। इसके बाद हम जियाओ को देखते हैं जो छत पर बैठा था और वो लिन के बारे में ही सोच रहा था उस पिलो को लेकर। तभी उसे पिलो में भी लिन ही दिखती है, तो वो पिलो को छत से नीचे फेंक देता है जो कि जाकर सीधा लिन को लगता है। वो जियाओ को देखकर उसे नीचे बुलाती है। जियाओ नीचे आता है और दोनों लड़ने वाले होते हैं कि उससे पहले ही वो लोग शिन को देखते हैं जो कि नींद में चल रही थी। वो दोनों उसकी मदद करने लगते हैं। तभी शैन एक जगह जाकर अपने डैड की फोटो देखती है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसके फादर उसके लिए एक बार एल्थिया नाम का पौधा ढूंढने गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। नेक्स्ट डे जियाओ मीटिंग में एक रिजॉर्ट बनाने के लिए कहता है और कहता है कि इससे होंगयू ग्रुप को भी फायदा होगा। सू से कहता है कि उनके पास तो अभी कोई भी परमिशन ही नहीं है। जियाओ कहता है अगर वो अल्थिया लाकर शैन को दे देंगे तो वो मान जाएगी, लेकिन लिन तो तुरंत ही मना कर देती है। दरअसल उसके डैड की डेथ भी अल्थिया को ही ढूंढते हुए हुई थी, लेकिन लिन ये बात किसी को भी नहीं बताती। लेकिन जियाओ तो अपनी चलाते हुए कहता है कि उसे रिजॉर्ट बनाना है और वो अल्थिया ढूंढेगा, चाहे ये कोई अफवाह ही क्यों ना हो। इसके बाद सू लिन के पास यूरोंग विला को कसीनो में बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन उसे कहती है कि जियाओ ऐसा कभी भी नहीं करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते ही शिन जियाओ से कहता है कि यूरोंग विला को बेचा जा रहा है, लेकिन जियाओ अपने डैड से ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। जियाओ के डैड उससे कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, अब भूल कर आगे बढ़ जाओ, लेकिन जियाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने डैड से कहता है कि उसे बस 3 दिन का वक्त दे, वो इस बार किसी को भी निराश नहीं करेगा। इसके बाद लिन जियाओ के पास आती है तो जियाओ उससे पूछता है कि उसके पास कोई तरीका है क्या। लिन उसे यूरोंग विला को बदलने वाली फाइल उसे देती है, जिससे तो जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बस उस विला को नहीं छोड़ना चाहता था। जियाओ गुस्से में लिन से कह देता है कि जब तुमने कोई चीज खोई होती तब तुम्हें समझ आता। उसके जाते ही लिन कहती है कि उसने तो सब कुछ खो दिया है। इसके बाद लिन खुद मैनेजर जाओ और चीफ लियो से बात करने के लिए आती है, जिसके बाद उन सभी की एक मीटिंग होती है और सभी की वोटिंग होती है कि वो सभी लोग क्या चाहते हैं। लेकिन जियाओ को अब भी विला नहीं बेचना था, इसलिए वो शैन को वोट के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो अल्थिया जरूर ले आएगा और वहाँ से चला जाता है। जियाओ शिन और यैन सोचने लगते हैं कि उन्हें वो पौधा आखिर मिलेगा कहाँ पर। यैन कहती है कि उसने सुना है कि वो पहाड़ों पर होता है, लाल मिट्टी के पास। तो जियाओ ऐसा ही करने का सोचता है और लाल मिट्टी ढूंढने को कहता है। और वहीं लिन मैनेजर जाओ से चाबियां ले लेती है रूम की। दूसरी तरफ ये लोग काम करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी जियाओ देखता है कि उनका गेट बंद था। वहीं लिन बाहर माफी मांगते हुए कह रही थी कि उसे उसकी फिक्र है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो अल्थिया ढूंढे। इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं तो लिन उनका बनाया हुआ मैप चोरी कर लेती है। वो उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वो नहीं था। जब वो तीनों गाड़ी के पास जाते हैं तो जियाओ देखता है कि उसकी गाड़ी की किसी ने हवा निकाल दी है, वही लिन बैठी थी। तभी सू आकर उससे कहता है कि रेस्टोरेंट तोड़ा जा रहा है, सभी वहाँ पर भाग कर जाते हैं। तभी शिन चैन को पकड़ लेता है। जियाओ उससे कहता है कि वो जानता है कि उसे अल्थिया ढूंढना है, साथ ही वो कहता है कि उसे यूरोंग विला को भी प्रोटेक्ट करना है। जियाओ उसकी मदद मांगता है, लेकिन शैन कहती है कि अगर मेरे अंकल जाओ को पता चल गया तो वो मुझे सजा देंगे। तभी यैन शैन से कहती है कि वो फोटो फेक है जो वो देख रही थी, क्योंकि अल्थिया को पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा। तभी शैन कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरे डैड मुझे पहाड़ों पर लेकर गए थे और मुझे सब याद है। इसलिए वो कहती है कि उन्हें यकीन नहीं होता तो वो भी अल्थिया ढूंढने के लिए चलेगी। ये सब छुप कर सू भी देख लेता है। सभी को दूसरी तरफ पता चलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा कि सू ने बताया था। तभी वो सभी शैन को देखते हैं, वो कहीं नहीं थी। सू उनके पास आता है और परेशान होने का नाटक करते हुए कहता है कि शैन जियाओ के साथ चली गई है। दरअसल वो तो चाहता था कि जियाओ कभी वापस ही ना आए, इसलिए उसने ऐसा किया था। वहीं दूसरी तरफ जियाओ और उसकी टीम सभी अल्थिया ढूंढने में लगे हुए थे, जहाँ यैन तो थक कर बैठ ही जाती है। यैन और शैन थक गई थी तो जियाओ उन दोनों को वापस भेजकर खुद शिन के साथ आगे चला जाता है। हम लिन को देखते हैं जो जीजी के साथ बैठी ड्रिंक करके जियाओ के लिए कहती है
कि वो बहुत ही बेकार इंसान है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और किसी की भी नहीं सुनता। लिन जीजी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में, वो तुम्हें कैसा लगता है। तो जीजी कहती है कि मैं इतने सालों में पहला इंसान देखा है जिसे यू रॉन्ग विला की इतनी परवाह है। जीजी उससे पूछती है कि तुम उसे अल्तिया ढूंढने से इतना क्यों रोक रही थी। लिन उदास होकर उससे कहती है कि कभी मेरे भी डैड उसे ढूंढने गए थे लेकिन वो मारे गए और इसी वजह से मुझे जाओ की फिक्र है। इसके बाद लिन लियू के साथ कार में उनके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि शिन येन और शेन वापस आ गए। शिन बताता है कि वो अकेले ही आगे जाना चाहते थे इसलिए हम लोग वापस आ गए। लिन उन पर बहुत गुस्सा करती है और लिन भी पहाड़ों की तरफ ही भाग जाती है और वो उसे हर जगह ढूंढती है। तभी एक जगह लिन गिरने वाली थी कि तभी जियाओ उसे बचा लेते हैं। जियाओ को अल्तिया मिल गया था, वो लिन को दिखाता है लेकिन लिन उसे फेंक देती है क्योंकि अल्तिया की वजह से उसके डैड की डेथ हुई थी। वो जियाओ को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है उसे रोकने के लिए। तभी हवाएं चलने लगती है और पेड़ों से पत्तियां टूटकर उनके ऊपर गिरने लगती है। तभी जियाओ को कॉल आता है कि चेयरमैन अब विला के बारे में कुछ नहीं कर सकते। वही विला में सबको पता चल जाता है कि जियाओ को अल्तिया मिल गया है। इसके बाद हम जियाओ को मीटिंग में देखते हैं जहाँ लिन सुई से कह रही थी कि काम के वक्त वो बहुत ज्यादा मेहनती और सीरियस दिखता है। मीटिंग खत्म होने के बाद लिन के पैर में चोट लग जाती है तो जियाओ उसे देखने लगता है। इसके बाद तो वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ही ले जाता है। रात को सभी मिलकर डिनर करते हैं जहाँ जियाओ शेफ लियू की भी तारीफ करते हैं। पहले ही वो उसे पसंद नहीं करता था। जियाओ जीजी के लिए कहता है कि वो अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा बोलती है। वहीं येन जियाओ से पूछने लग जाती है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी, जीजी या फिर मैं। जियाओ और लिन तो कुछ और ही सोच रहे थे। तभी लिन खड़ी होकर ड्रिंक करती है तो सू उसे पकड़ता है जो जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए जियाओ खुद जल्दी से खड़ा होकर उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। येन तो यहाँ चिल्लाने लगती है, सभी येन को रोकते हैं। अंदर जाने के बाद जियाओ उसे एक फॉर्म देता है और सिग्नेचर करने के लिए कहता है लेकिन लिन तो उसे फेंक देती है क्योंकि वो नशे में जो थी। जियाओ उस पर चिल्लाने लगता है लेकिन चिल्ला भी नहीं पाता। इसके बाद उसे तो उल्टी ही हो जाती है। जियाओ उसे कहता है जब पी नहीं जाती तो फिर पीती क्यों। लिन तो नशे की हालत में जियाओ के कपड़े उतारने लग जाती है। जब वो उसे बेड पर लेटाता है तो वो उसे भी अपने पास ही बेड पर सुला लेती है और उसे कहने लगती है कि वो फ्यूचर से आई है 2020 से और ये भी कहती है कि मेरी एज 33 इयर्स है। वो तो जियाओ को ये भी बता देती है कि इस टाइम में उसके जैसी दिखने वाली एक और लिन है। मॉर्निंग जब दोनों उठते हैं तो जियाओ लिन से कहता है कि तुमने रात को दो मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की और मेरी बेल्ट भी उतार ही दी थी। लिन कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या, अगर है तो दिखाओ। जियाओ कहता है कि मुझे कुछ भी साबित नहीं करना। अगले दिन सभी का जाने का समय हो जाता है। शिन जियाओ की कार में जा रहा था लेकिन येन उसे कहती है कि तुम मेरी कार चलाओ और खुद जाकर जियाओ की गाड़ी में बैठ जाती है और वो भी जियाओ और लिन के बीच में। वही सू तो ली को मैसेज करता है यानी कि जियाओ के डैड के दोस्त को, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वापिस आते ही कोई उसकी एक वीडियो मीटिंग में दिखाता है जिसे देखकर जियाओ कहता है कि कोई उसे फंसाना चाहता है लेकिन ली कहता है कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि सबूत उनके सामने है। जियाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सभी उस वीडियो को देखते हैं और सभी को पता था कि उस वीडियो में जिसमें वो शादी वाली बात कर रहे थे कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन अब तो इंटरनेट पर सभी उनकी वीडियो देख लेते हैं। सभी को पता चल जाता है कि कंपनी में कोई तो ऐसा इंसान है जो ये सब कुछ कर रहा है। लिन सोचती है कि पहले तो कैट वाला इंसिडेंट और फिर ये वाला, उसे भी कुछ गलत लगता है। वहीं येन सभी एम्प्लॉइज के साथ बैठी थी और वो सभी सोच रहे थे कि आखिर वो इंसान कौन हो सकता है। तभी सभी एक ही इंसान का नाम लेते हैं क्योंकि वो जब से आया था तभी से ये सब होना स्टार्ट हुआ है और वो एक साथ सू का नाम लेते हैं और यही